हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी विद देव। स्टडी विद देव यूट्यूब चैनल पर मैं देवेंद्र आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे राजस्थान जीएनएम कोर्सेज के बारे में। जैसा कि आप सभी को पता है कि मैंने आपसे पहले ही बोल दिया था कि 24 तारीख को शाम तक या फिर 25 तारीख को आपको जीएनएम के जो भी अलॉटमेंट लेटर है, कॉलेज अलॉटमेंट की प्रोसेस आपको देखने को मिल जाएगी। और वही हुआ आज 24 तारीख। ये वीडियो मैं अभी प्रेजेंट टाइम पर बना रहा हूँ, तो 24 तारीख की नाइट को वीडियो बना रहा हूँ। इवनिंग में लेट आपके लिए अपलोड किया गया है। और जीएनएम के जो मेरिट लिस्ट है, जो आपकी कॉलेज अलॉटमेंट की लिस्ट है, वो अपलोड कर दी गई है वेबसाइट पर। आप जाकर देख सकते हो आपको कौन सा कॉलेज अलॉट हुआ है और कौन सा नहीं हुआ है। एसएसओ आईडी के थ्रू जाकर आप अपना अलॉटमेंट लेटर भी डाउनलोड कर सकते हो। आपको कौन सा कॉलेज मिला और कौन सा नहीं मिला, तो आप एसएसओ आईडी के तहत उसे डाउनलोड कर पाओगे। ठीक है, देखो आप इस वेबसाइट पर आओगे, राज स्वास्थ्य की ऑफिशियल वेबसाइट पर आओगे, तो यहाँ आपको नज़र आएगा 3 नोटिफिकेशन, नए नोटिफिकेशन आ रखे हैं। ये किस डेट को नोटिफिकेशन आए, 24 मार्च को आपके नोटिफिकेशन लगभग 9:30 बजे के बाद ये अपलोड हुए हैं वेबसाइट पर, जो आप देख पा रहे होंगे। मैंने टेलीग्राम पर लगभग 10 बजे के बाद मैंने इसको डाल दिया था। ठीक है, आपने टेलीग्राम ज्वाइन नहीं कर रखा, हर इन्फॉर्मेशन पाने के लिए आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हो। जीएनएम प्रशिक्षण सत्र 2021-22 में राजकीय निजी प्रशिक्षण केंद्रों पर प्रवेश हेतु प्रथम ऑनलाइन अभ्यर्थी की सूची अपलोड करने बाबत, यानी कि 24 मार्च को ये आया हुआ है, देख सकते हो आप। इसके अलावा राजकीय प्रशिक्षण केंद्रों पर प्रवेश हेतु प्रथम ऑनलाइन अभ्यर्थियों की सूची। दूसरा है निजी प्रशिक्षण केंद्रों पर प्रवेश हेतु प्रथम ऑनलाइन सूची, यानी कि प्राइवेट की है ये, तो पीवीटी की है और ये जीओवीटी की है, तो दोनों की लिस्ट आ चुकी है। तो अपन केवल इसमें जो नोटिफिकेशन आया, नोटिस के बारे में बात करेंगे, अलग वीडियो में बात करेंगे कि लिस्टों में किस प्रकार आपको कॉलेज देखना है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले अपन यहाँ से नोटिफिकेशन डाउनलोड कर लेते हैं। मैंने नोटिफिकेशन डाउनलोड आपके लिए कर रखा है, तो मैं डायरेक्ट टेलीग्राम पर चला जाता हूँ। टेलीग्राम पर नोटिफिकेशन मैं आप सभी के लिए शेयर कर चुका हूँ, जो हमारा स्टडी विद देव वाला टेलीग्राम है। आपने अभी तक ज्वाइन नहीं कर रखा हो, ज्वाइन जरूर कर लेना। ये नोटिफिकेशन है जो आपके सामने है, देखो, अनौपचारिक टिप्पणी, जनरल नर्सिंग प्रशिक्षण सत्र 2021-22 में राजकीय और निजी प्रशिक्षण केंद्रों पर प्रवेश हेतु प्रथम ऑनलाइन काउंसलिंग में चयनित अभ्यर्थियों की सूची अपलोड करने के बाबत। इसका जो काउंसलिंग शेड्यूल था ऑलरेडी आ रखा था। क्या शेड्यूल था कि 30 तारीख तक आप क्या कर पाओगे, 30 मार्च तक आपको रिपोर्टिंग करनी थी, 23 से लेकर 30 मार्च तक रिपोर्टिंग करनी थी, तो आपकी रिपोर्टिंग की लास्ट डेट फिर भी इन्होंने 30 मार्च ही रखी है, कोई भी डेट आपके एक्सटेंड नहीं की गई है। ठीक है, उपरोक्त विषय अंतर्गत लेख है कि जनरल नर्सिंग प्रशिक्षण सत्र 2021-22 की दिनांक 23/3/2000 से 24/3/2000 को आयोजित ऑनलाइन काउंसलिंग प्रक्रिया, जिन लोगों ने बताया था कि आपको जयपुर जाना है, वो लोगों से मैं पूछना चाहूँगा क्या अब आप उनको जयपुर भेजोगे। वो जो जयपुर का जो नोटिफिकेशन आया था, वो नोटिफिकेशन इस बात का आया था कि वहाँ पर जो कमेटी थी वो डिसीजन लेगी किस प्रकार उनको काउंसलिंग करवानी है, किस प्रकार मेरिट लिस्ट बनानी है, जिसमें संपादित की जा चुकी है, जिसमें राज्य स्तरीय मेरिट के आधार पर 15 राजकीय एवं 158 निजी नर्सिंग कॉलेज प्रशिक्षण केंद्र पर उपलब्ध रिक्त सीटों पर अभ्यर्थियों का अस्थायी रूप से चयन प्रशिक्षण केंद्र आवंटित किए जा चुके हैं, यानी कि उनको कॉलेज आवंटित कर दिए गए हैं। चयनित योग्य अभ्यर्थी अपना आवंटन पत्र विभागीय वेबसाइट से डाउनलोड कर आवंटित प्रशिक्षण केंद्र पर प्रवेश हेतु निर्धारित अंतिम तिथि 30 मार्च, कितनी देर, 30 मार्च 2022 तक उनको क्या करना होगा, कॉलेज में जाकर रिपोर्टिंग करनी होगी। किनको, जो योग्य अभ्यर्थी है उनको 30 मार्च तक रिपोर्टिंग करनी होगी, और इसके बाद मूल आवश्यक दस्तावेज के साथ प्रशिक्षण केंद्र पर देंगे। चयनित अभ्यर्थियों में जो अभ्यर्थी किन्हीं परिस्थितियों के कारण उपस्थित या प्रवेश नहीं लेते हैं, तो ऐसे अभ्यर्थियों को अस्थायी रूप से प्रवेश स्वतः निरस्त समझा जाएगा। यानी कि जो कैंडिडेट्स 30 मार्च तक कॉलेज में जाकर अपनी रिपोर्टिंग नहीं कर लेता, उसका जो एडमिशन है वो अपने आप ही अस्थायी रूप से निरस्त कर दिया जाएगा, कोई भी आपका परमानेंट नहीं रहेगा। ठीक है, आपको हटा दिया जाएगा। इसके बाद जीएनएम प्रशिक्षण, यानी कि जनरल नर्सिंग प्रशिक्षण सत्र 2021-22 में चयनित समिति द्वारा कमेटी थी, चयनित योग्य अभ्यर्थियों पुरुष और महिलाओं की सूची विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने का श्रम करें। ये जो उपरोक्त से अलग है, मतलब ये सर्वर के पास ये भेजा गया था, और इसी के आधार पर आपकी जो भी है लिस्ट है, वो लिस्ट जो चयनित सूचियां हैं, लिस्ट हैं, वो आपकी वेबसाइट पर अपलोड हो चुकी है। तो मैंने आपसे पहले ही बोला था कि आपका जो भी आने वाला है 23 मार्च को भी मीटिंग होगी, कमिटी समिति थी वो डिसीजन लेगी। इसके बाद 24 मार्च को भी सुबह 11 बजे के लिए 10:30 बजे
मीटिंग हुई थी उसके बाद मैंने आपसे यही बोला 23 को भी जब वीडियो बनाया था पहला, तब भी यही बोला था कि या तो 24 को शाम तक आपको देखने को मिल जाएगा, 24 को शाम को आपको अलॉटमेंट लेटर देखने को मिल जाएगा, या 25 को मॉर्निंग में आपको अलॉटमेंट लेटर मिल जाएगा। तो ऐसा ही हुआ, आज 24 को ये नोटिफिकेशन आपके लिए रिलीज हो चुका है। क्या 24 मार्च को ही नोटिफिकेशन आपका रिलीज हो चुका है, लिस्ट आपकी आ चुकी है, आपको किस प्रकार आपका अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड करना है उसके बारे में भी मैं आपको जानकारी अलग से दूंगा अलग वीडियो में। इस वीडियो में केवल अपन इतना ही बताएंगे कि आपको क्या क्या ध्यान रखना है, तो ध्यान से देख लेना, सारी लिस्ट वगैरह आ चुकी है। अभी आप यहां जाकर देखोगे जेएनएम की जो दूसरी वेबसाइट है जहां से विकल्प चॉइस करने का फॉर्म आता है, या ऑफिशियल वेबसाइट है जो राज जेएनएम के नाम से, इस पर जैसे अपन क्लिक करते हैं तो यहाँ हालांकि ऐसा अभी तक कोई भी ऑप्शन अपन को नजर नहीं आ रहा है। यहाँ पर ना तो विकल्प फॉर्म बनने का ऑप्शन आ रहा है, ना ही उपयोगकर्ता, यहाँ मतलब विकल्प फॉर्म का आ रहा है, यहाँ पे अलॉटमेंट लेटर का अभी तक कोई भी ऑप्शन यहाँ शायद नहीं आ रहा है और शायद आएगा भी नहीं। अलॉटमेंट लेटर के अलावा यहाँ अलॉटमेंट लेटर का ऑप्शन यहाँ शायद आएगा भी नहीं। जो नोटिफिकेशन होगा वो आपको कहाँ से डाउनलोड करना है, अलॉटमेंट लेटर SSO ID के थ्रू आपको लॉगिन करना है, लॉगिन करने के बाद आप अपना अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड कर पाओगे। अब किस प्रकार आपको अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड करना है उसके बारे में भी प्रॉपर जानकारी अलग वीडियो में आपके लिए देने वाला हूँ। क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की आपको जरूरत पड़ेगी, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको जरूरत पड़ने वाले डॉक्यूमेंट्स क्या लेके आपको जाना है कॉलेज में, वो भी मैं आपको बताऊंगा। मेनली जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं 10th 12th की मार्कशीट, 10th और 12th की मार्कशीट, आपका मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट, आधार कार्ड और जो भी आपकी माइग्रेशन सर्टिफिकेट है, इन सभी चीज़ों की जरूरत आपको वहाँ पड़ने वाली है। तो ये सभी चीज़ें आप लेकर जरूर जाइएगा और अपनी काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर लीजिएगा, क्योंकि कट ऑफ थोड़ी कमी गई है, ज़्यादा हाई कट ऑफ नहीं गई है। लगभग सभी स्टूडेंट्स को, मैक्सिमम स्टूडेंट्स को 940 सीटों पर ये लगभग आपकी काउंसलिंग हुई है, 940 सीटों के अराउंड है। तो इन सभी सीटों के लिए नोटिफिकेशन लिस्टें वगैरह रिलीज हो चुकी है, प्राइवेट की भी आ चुकी है, गवर्नमेंट की भी आ चुकी है। देखो यहाँ पर लिखा हुआ है कि जो भी चयनित अभ्यर्थी है उनकी सीटें अपलोड कर दी गई। इसके साथ साथ आपको 30 मार्च लास्ट डेट है, और अगर आप 30 मार्च तक कॉलेज में या आपका जो भी संस्थान इंस्टीट्यूट जो भी अलॉट हुआ है अगर आप वहाँ नहीं जाते हो तो आपका जो एडमिशन है वो अपने आप ही कैंसिल कर दिया जाएगा। 30 मार्च तक का आपको टाइम है, 30 मार्च शाम 5 बजे तक आपको टाइम दिया जाएगा। अगर इसके बाद आप वहाँ पहुँचते हो तो आपका एडमिशन अपने आप कैंसिल हो जाएगा, आपको एडमिशन नहीं दिया जाएगा। तो इससे अच्छा रहेगा कि आप जितना जल्दी होगा उतना जल्दी, अगर कल ही आपके पड़ोस पास वाला मिला है आपको तो कल ही जाके अपना डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करवा लीजिए, कॉलेज में रिपोर्टिंग कर लीजिए ताकि आपको फ्यूचर में कोई दिक्कत ना आए। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, ये अपडेट आपके लिए, मैं ऐसे ही नई नई अपडेट आपको टाइम से टाइम देता रहूंगा, बस आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन ऑन कर लेना। इसके साथ साथ मैंने डिस्क्रिप्शन में हमारा जो टेलीग्राम चैनल है स्टडी विद देव यूट्यूब चैनल के स्टडी विद देव के नाम से ही है, उसको भी जरूर ज्वाइन करिए। वहाँ भी आपको सबसे पहले यूट्यूब पर आने से पहले इन्फॉर्मेशन आपको टेलीग्राम पर दे दी जाती है, तो आपको हर अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल उसको जोड़ उससे कनेक्ट होना अनिवार्य है। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद, टेक केयर्स।